नमस्कार चंबल किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए बिल्कुल बेकरी स्टाइल एकदम सॉफ्ट और स्पंजी ब्लैक फॉरेस्ट की पेस्ट्री की बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ। एकदम मुंह में डालती घुल जाने वाली बहुत ही शानदार और आसान सी रेसिपी, और साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि इसको परफेक्ट शेप में कटिंग कैसे की जा सकती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री बनाने के लिए हमने लिया है केक स्पंज। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। ये होममेड प्रीमिक्स से बनाया है। अब इसके बटर पेपर को रिमूव कर देते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है। आप इसी का अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितने अच्छे से बेक हुआ है। बहुत अच्छी इसमें जाली आई है। और अब इसकी टॉप लेयर को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी अनइवन शेप की होती है और हार्ड भी होती है। और ये देखिए इसकी जाली कितनी अच्छी आई है। आप इसको एज इट इज बच्चों को एंजॉय करने के लिए दे सकते हो। और अब हम इसकी तीन लेयर कट कर तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए हमने इसकी तीनों लेयर कट कर ली हैं। केक के स्पंज को सोक कराने के लिए यहां पर मैं ले रही हूं चॉकलेट सिरप। इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए मैं इसमें पानी का यूज कर रही हूं। और पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए स्पंज को सोक करने के लिए चॉकलेट सिरप बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर हमने केक की फर्स्ट लेयर ले ली है, और अब हम इसको अच्छे से सोक करा लेते हैं स्पंज को, जिससे केक बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेगा, सॉरी पेस्ट्री। और ये हमने व्हिपिंग क्रीम को आइसिंग बैग में भर लिया है। आइसिंग बैग में भरने से बहुत ही नीट एंड क्लीन काम होता है, और इससे क्रीम में एक जैसी लगती है और कम ज्यादा भी नहीं होती है। और पाइपिंग बैग से क्रीम लगाने से क्रीम एक्स्ट्रा भी नहीं लगती है, इवनली शेप आता है। और इसको पैलेट टाइप से एक जैसा इवनली स्प्रेड कर देना है। और इसी तरह से हम अपनी तीनों लेयर को सेट कर लेते हैं। तीनों लेयर को अच्छे से सेट कर लिया है। अब टॉप कवर को भी टॉप लेयर को भी अब अच्छे से कवर कर लेना है। अब इसको भी इवनली स्प्रेड कर देना है। और ये देखिए हमने इसको टॉप लेयर को भी अच्छे से कवर कर लिया है। इसमें फिनिशिंग की कोई भी जरूरत नहीं है। अब हम इसको सेट होने के लिए रख देते हैं, जिससे व्हिपिंग क्रीम अच्छे से सेट हो जाए क्रीम केक के ऊपर। इसे मैं लगभग आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। और ये देखिए हम पेस्ट्री कट करने के लिए अभी हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि अभी आड़ा तिरछा होगा तो वो मैनेज अभी हम कर सकते हैं, ठीक हो जाएगा। और जितनी पेस्ट्री आपको कट करनी हो उस हिसाब से आप इसकी मार्किंग कर सकते हो। मैं इसमें से 6 पेस्ट्री निकाल रही हूँ, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री है, तो मैं इसके ऊपर डार्क चॉकलेट कंपाउंड को ग्रेट कर रही हूँ ग्रेटर की हेल्प से। आप चाहें तो इसको नाइफ से भी ग्रेट कर स्प्रेड कर सकते हो चॉकलेट को। और सारी पेस्ट्री को हम इसी तरह से कवर कर लेंगे। चॉकलेट से पेस्ट्री को सारा कवर कर लिया है, और ये साइड के चॉकलेट को भी साफ कर देते हैं। अब मैं इसके ऊपर डेकोरेशन कर रही हूँ। मैं इसमें जनरल फ्लावर ही बना रही हूँ, जो कि ब्लैक फॉरेस्ट का पैटर्न होता है। जो पैटर्न आपको पसंद हो वो आप बना सकते हो। और अब इसके ऊपर रेड चेरी से डेकोरेशन कर रही हूँ। जैसी डेकोरेशन आपको पसंद हो उस हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली यही डेकोरेशन ब्लैक फॉरेस्ट रेसिपी के ऊपर होती है।
तो लीजिए तैयार है एकदम बेकरी स्टाइल ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री की रेसिपी, जिसे आप कभी भी किसी भी समय बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।